नमस्कार, आप देख रहे हैं सीओ लाइट 24 व्हाट्सएप बुलेटिन। मैं हूं विमल राय। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। आज सीहोर में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान सीहोर में जिला शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार पर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन, सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। बारह प्रार्थना की मुद्रा, एक चक्र समाप्त हुआ, हाथों को नीचे। यूं तो कार्यक्रम सफल रहा, लेकिन इस कार्यक्रम में बहुत सी अनियमितताएं देखने को मिली। इसमें देखा गया है कि छात्र छात्राओं को सुबह 8 बजे से ही ग्राउंड में बुला लिया गया था एवं कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रारंभ किया गया। साथ ही कार्यक्रम लगभग 2 घंटे 11 बजे तक चला। इसके बाद छात्र छात्राओं को स्वल्पाहार के रूप में मात्र 1-2 रुपए का बिस्किट का पैकेट थमा दिया गया। यह बिस्किट का पैकेट भी लगभग सभी छात्र छात्राओं को नहीं मिला। जब हमने इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने चाहिए तो उनका कहना था कि इनके पास इसके लिए कोई विशेष बजट ही नहीं है। सर, बच्चों को स्वल्पाहार के नाम पे आपके द्वारा मात्र 2 रुपए का बिस्किट दिया गया है, जो भी पूरे बच्चों को वितरित नहीं किया गया, तो इसमें आप क्या कहेंगे? आपने 3 घंटे बच्चों को यहाँ बैठा के रखा और स्वल्पाहार के नाम पे मात्र 2 रुपए के बिस्किट आपने उनको वितरित करवाए, वो भी पूरे बच्चों को नहीं मिले, क्या कहेंगे? प्रयास तो मैंने पूरा किया है कि सभी को बट जाए और सभी लोग लगे हुए थे। हो सकता है कुछ स्कूल के बच्चे शीघ्रता के कारण न ले पाए हो, बाकी तो सबको वितरित हुआ है, बड़ी अच्छी व्यवस्था। सर, आपने फ्लेक्स और जो 5 रुपए की जो राशि रखी है सर्टिफिकेट के नाम पे, तो वो आप स्कूल वालों से ले रहे हैं? स्कूल वाले बच्चों पे दबाव डाल रहे हैं? तो बच्चों पे दबाव डालने नहीं है, उसमें 5 रुपए का प्रमाण पत्र है तो वो पार्टिसिपेशन का है कि भाई बच्चों को प्रमाण पत्र मिलता है तो उनको अच्छा लगता है, तो उसकी राशि कौन वहन करेगा? इसमें ऐसा है कि कोई बजट तो इसके लिए होता नहीं है, सूर्य नमस्कार के लिए। ये सभी लोग मिलके अपने अपने विद्यालय से थोड़ा बहुत योगदान कर देते हैं। आपके द्वारा आदेश जारी किया गया है लिखित में? नहीं, मेरे द्वारा आवेदन ये क्या है कि आप पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट बच्चों को देना चाहें तो दे दीजिए। नहीं तो उसकी राशि या तो स्कूल वहन करे या शिक्षा विभाग वहन करे। शिक्षा विभाग के पास तो कोई बजट ही नहीं है, तो स्कूल ही देगा ना। मैंने तो बच्चों से नहीं कहा है, मैंने स्कूल से कहा है कि आप देखिए और उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिलाए तो अच्छा लगता है बच्चों को। नरसुल्ला नगर के सुभाष कॉलोनी निवासी रमेश चंद धावरे पिता भादर सिंह धावरे 39 वर्ष, जो कि अपने पट्टे को लेकर परेशान हैं। रमेश चंद धावरे ने बताया है कि मेरा पट्टा बना है जो कर्मचारी द्वारा सर्वे से सही नहीं बनाया गया था, जिसको लेकर अनुवाही अधिकारी सीएम हाउस विधायक कार्यालय में आवेदन देकर पट्टे की मांग की है, जिसकी शिकायत मेरे पुत्र के द्वारा 181 पर भी की गई है। जो पट्टा इन्हें लगभग 15 वर्ष पहले कांग्रेस शासन में शिक्षा मंत्री राजकुमार पटेल के द्वारा दिया गया था, जो सर्वे की अनियमितताओं के कारण कम जमीन का पट्टा दिया गया था, जिस पट्टे को जांच हेतु वापस दिया गया था, पर अधिकारियों के द्वारा आज तक जांच नहीं हुई है। वापस रखकर आज तक वह पट्टा नहीं दिया गया, जबकि नगर परिषद में उसका रिकॉर्ड भी है। पट्टा नहीं होने के कारण मुझे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि मैं प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो आवास बनाए जा रहे हैं, अगर पट्टा होता तो मुझे उसका लाभ मिल सकता था। रमेश धावर के द्वारा शासन से मांग की गई है कि उसे दिए गए पट्टे के आधार पर शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाए, जिससे वे अपना निवास सही तरीके से बनाकर अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल रहे आवास का लाभ मिल सके। नरसुल्लगंज नगर के इंदौर रोड स्थित सुदामा पैलेस गार्डन में सिंधु राजपूत युवा संगठन के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें सिंधु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के द्वारा प्रशासनिक पदों पर चयनित होकर अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से नायब तहसीलदार एवं सीएमओ के पद पर कार्य कर समाज के गौरव बढ़ा है। सिंधु समाज के युवा संगठन द्वारा उन्हीं प्रतिभाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुलदीप सिंह ठाकुर का चयन नायब तहसीलदार पद पर किया गया एवं प्रवीला ठाकुर का चयन सीएमओ के पद पर होने से समाज के गौरव बढ़ा है। इसी को लेकर समाज के समस्त वरिष्ठजनों एवं युवा साथियों के द्वारा हर्ष व्यक्त करते हुए सम्मान समारोह में प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। नरसुल्लगंज नगर के पुरानी सब्जी मंडी महिला बाल विकास कार्यालय के सामने से आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा लेडी निकाली गई, जो नीलखंड रोड से भोपाल रोड होते हुए विधायक कार्यालय पहुंची, जहां उपस्थित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निजी सचिव हरी सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रवि मालवी एवं अनुविभागीय अधिकारी हरी सिंह चौधरी को एक ज्ञापन दिया,
ज्ञापन में देकर मांग की है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। मानदेय के संबंध में कई बार आवेदन दिया जा चुका है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि शासन ने अगर मानदेय नहीं बढ़ाया तो हम हड़ताल का सहारा लेंगे एवं कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि शासन हमारा मात्र उपयोग कर रहा है, हमें अपनी मजदूरी पूर्ण रूप से नहीं दी जा रही है। वहीं इस अवसर पर सीहोर जिले में आसपास के क्षेत्र की सैकड़ों आशा कार्यकर्ता रैली में उपस्थित थी, जिन्होंने मामला है काय का ज्ञापन दे रही हैं आप? सर, हम आशा कार्यकर्ता है, हड़ताल दे रहे हैं। हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, बस एक मानदेय 1000 रुपए मिलते हैं और सारा काम करवाते हैं। रोज नया नया सर्वे ला देते हैं, ये सर्वे आशा कार्यकर्ता करेगी। जो भी काम है, सारे सर्वे जो भी काम रहता है वो आशा कार्यकर्ता से करवाते हैं। इससे पहले भी आपने आवेदन दिया है क्या? हाँ, इससे पहले भी हमने आवेदन दिया, उसको 15 दिन हो गए। उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने डबल से आज और हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम आवेदन देना चाहते हैं, तो हम एसडीएम कार्यालय जाएंगे। रैली निकाल रहे हैं आप? जी, हम रैली निकाल रहे हैं। आज सीहोर में भाजपा नेता सन्नी महाजन के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाली गई, जो रैली का अनेक सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने पूरे समर्पण से दिल से स्वागत किया। वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए सुगर फैक्ट्री के पास इसे सौभाग्य प्लेस पर पहुंची, जो एक विशाल आम सभा में तब्दील हो गई। इसमें सीहोर लाइव 24 के लिए अनुराग शर्मा की रिपोर्ट। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9300635960। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 व्हाट्सएप बुलेटिन पर। नमस्कार।